अगर आप में से किसी को भी मैथ से डर लगता है ना, तो अभी आप उस कैटेगरी में हो जिसमें मैं था आज से लगभग 15 साल पहले। जी हाँ, जब मैं 7th क्लास में था ना, तब मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, लेकिन उसके बाद मुझे ये 5 चीजें क्लियर हुई एंड उसके बाद सच बताऊं तो आई फेल इन लव विद मैथ। जिसके बाद 10th स्टैंडर्ड में अगर किसी सब्जेक्ट में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे तो वो था मैथ। 11th एंड 12th भी मैंने मैथ सब्जेक्ट से ही कम्प्लीट की और उसके बाद 2014 में इंजीनियरिंग। और मेरे मैथ को स्ट्रॉन्ग करने में किसने हेल्प की थी वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो देखो, ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप भी मेरी तरह अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग कर सको। देखो, मैथ में कमजोर हो तभी तो इस वीडियो पर आए हो। आपको मैथ से डर लगता है या क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हो, तो आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने वाला हूँ जैसे मैंने किया था। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनको हर वो स्टूडेंट फॉलो करता है जो मैथ का बादशाह है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बन सकते हो। बस कंडीशन एक ही है कि मैं जो टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ बस आपको उन्हें फॉलो करना है। देखो, अगर आप मैथ में कमजोर हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। फ्रांसेस को सिरिलो, यह इंसान फ्रांस का रहने वाला था जो कि मैथ में बहुत कमजोर था, शायद आपसे भी ज्यादा। और यही इंसान आगे चलकर स्टडी की सबसे बेस्ट टेक्निक पोमोडोरो टेक्निक देता है, साथ में मैथ्स का एक अच्छा एक्सपर्ट भी बनता है। तो इसलिए अगर आप मैथ में वीक हो तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी फ्रांसेस को सिरिलो की तरह कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाना है। देखो दोस्त, अगर आज तुम इस वीडियो को स्किप कर दोगे सिर्फ ये सोचकर कि इन 10 से 12 मिनट में यह क्या ही बता देगा, तो शायद आप आज से 2 साल बाद भी मैथ से ऐसे ही डरकर भाग रहे होंगे जैसे कि आज भाग रहे हो, क्योंकि तुम इस कमजोरी को ताकत बनाने पर काम कर ही नहीं रहे हो। देखो दोस्त, आप मैथ से भाग नहीं सकते, आपका लगभग हर एग्जाम में इसे सामना होगा, यहाँ तक कि रियल लाइफ में भी। इसलिए इससे डरकर भागने के बजाय इसे अभी स्ट्रॉन्ग कर लो, फायदे में रहोगे। क्योंकि अगर आज आपने इसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो आने वाले कल में यही मैथ आपको लाइफ में वीक बना देगी। आज मैं आपको मैथ की जो 5 टेक्निक्स बताने वाला हूँ उन्हें मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। आई नो इंट्रो थोड़ा लंबा हो चुका है, चलो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे कि आखिर मैथ से हम डरते क्यों हैं, हम इससे दूर क्यों भागते हैं। तो मैथ से डर लगना, इसको बोलते हैं अरिथमोफोबिया। और यह फोबिया हमारे अंदर तब क्रिएट होता है जब हम बार बार ये सुनते हैं कि मैथ्स बहुत ज्यादा टफ है, और हम बचपन से यही तो सुनते आए हैं। तो सबसे पहले आपको मैथ के इस डर से खुद को आजाद कराना होगा। ये समझ लो कि आज से मैथ आपके लिए हलवा है और इसे खाना आपको अच्छे से आता है, यानी कि आपको मैथ को लेकर सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। ऐसा करने से आपका ये फोबिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब आपने प्रॉब्लम भी जान ली और इसका सॉल्यूशन भी। चलो अब उन 5 टेक्निक्स के बारे में जानते हैं जिनको फॉलो करके आप मैथ में फोड़ सकते हो, आप मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नंबर 1, क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट। आप मैथ से इसलिए डरते हो क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। ये फैक्ट है कि अगर आपको मैथ से डर लग रहा है तो इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा चलकर रुक जाते हो, आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। और कैसे करने हैं, तो इसके लिए आप अब जिस भी क्लास में हो आपको उससे 1 साल पहले के मैथ की किताब उठानी है और उसमें से प्रैक्टिस करनी है, उसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अगर आप 10th क्लास में हो तो आपको 9th क्लास की बुक से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसमें टॉपिक को अच्छे से समझाया होता है और उसमें 10th के कंपैरेटिवली क्वेश्चंस का लेवल भी इजी होता है। लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें आपको कहीं भी मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलेंगे, बस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे ही आपके बेसिक्स धीरे धीरे क्लियर होंगे और इसमें काफी टाइम भी लगेगा। और मुझे लगता है अब आप लोगों के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें टाइम भी कम लगेगा और वो इफेक्टिव भी है। तो इसमें सिंपली आपको यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ, और वहाँ पर आपके सामने कई सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगे। तो उनमें से आपको जिस भी टीचर के लेक्चर्स अच्छे से समझ आए आप उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो। और आपको ये वीडियोस 15 से 20 दिन तक रेगुलर देखनी है। इन 15 से 20 दिन में आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, यानी कि मैथ्स में आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना है इसे हम सेकेंड पॉइंट में देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज योर कैलकुलेशन स्पीड। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये मैथ की स्पाइनल कोड है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ही कमजोर होगी तो क्या आप दौड़ पाओगे? कभी नहीं। यानी कि बिना कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करे आप मैथ के क्वेश्चंस को तेजी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चंस सॉल्व करने में स्पीड नहीं ला पाओगे। एग्जाम्स में हमारे जो मैथ के क्वेश्चंस रोंग होते हैं ना, उनमें से 60% क्वेश्चंस रोंग कैलकुलेशन की वजह से ही गलत होते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में थोड़ा प्रेशर भी होता है और टाइम भी कम होता है, इसलिए हमें क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है और हमारी कैलकुलेशन पर अच्छी पकड़ नहीं होती है, इसलिए जल्दी जल्दी के चक्कर में हम कैलकुलेशन रोंग कर देते हैं जिसके कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करना होगा, कैलकुलेशन पर पकड़ बनानी होगी ताकि कैलकुलेशन की वजह से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और कैलकुलेशन पर पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको बोर्ड मास की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको कम से कम 30 तक टेबल याद करनी है और 30 तक के स्क्वायर रूट्स और कम से कम 20 तक के क्यूब रूट्स तैयार करने हैं। और इसके साथ आपको हर रोज कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन स्पीड जरूर इंक्रीज होगी। ये सब बात हमारे टीचर
हथियार से भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान कहाँ देते हो, लेकिन अब की बार देना है। नंबर 3, लर्न ट्रिक्स एंड सेव टाइम। ट्रिक्स का काम होता है हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाना, हमारे टाइम को बचाना, यानी कि आप कुछ ट्रिक्स सीखकर कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आप ट्रिक्स का यूज करके कैसे अपने टाइम को बचा सकते हो, चलो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मैं आपको एक संख्या दूंगा, आपको उसका मल्टीप्लाई करना है और टाइमर ऑन कर लेना है, और फिर आपको ये देखना है कि आपको इसे सोल्व करने में कितना टाइम लगता है। तो क्वेश्चन है 31 × 31। अब आपको इसे बेसिक तरीके से सोल्व करना है। आपके पास 5 सेकंड है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब शायद इसे कुछ लोग कर पाए होंगे और कुछ लोग नहीं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ और इस क्वेश्चन को आपको इस ट्रिक से सॉल्व करना है, और वो ट्रिक है MAM फॉर्मूला। यानी कि सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में एडिशन करना है, और फिर उसके बाद में दोबारा से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन वही है 31 × 31। तो सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं के लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फर्स्ट डिजिट को ऐड करना है, एंड आखिर में फिर से आपको फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर आता है 961। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखो, और अगर समझ आ गया है तो मैं आपको दूसरी संख्या देता हूँ, आप उसे टाइमर के साथ सोल्व करो। तो संख्या है 41 × 41, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आप इस ट्रिक को सीख गए हो तो आपने इसे 4 से 5 सेकंड में इजीली सोल्व कर लिया होगा। लेकिन हाँ, याद रखना कि ये ट्रिक जो मैंने आपको समझाने के लिए बताई है ना, ये हर जगह पर काम नहीं करती है, ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर संख्याओं पर ही काम करती है, कहीं आप इसे हर जगह पर अप्लाई करने लग जाओ। मैं इस पॉइंट से आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप ट्रिक्स का यूज करके अपने टाइम को बचा सकते हो। और अगर बात टाइम बचाने की हो ही रही है, तो टाइम मैनेजमेंट पर मैंने एक कमाल की ईबुक बना रखी है, जिसमें हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको टाइम को कैसे यूज करना है, आपके पास कामों को करने के बाद भी कितना टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है। टोटल ना 8 से 9 चैप्टर्स हैं। इन सभी चैप्टर्स पर डिटेल में बात की गई है। अब तक हजारों स्टूडेंट्स ने इस ईबुक को परचेज भी किया है, और किसी ने भी ये कमेंट नहीं किया है कि सर हमें इस ईबुक से कोई वैल्यू नहीं मिली है। अगर आप भी इस ईबुक को परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, सिर्फ ₹19 में। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इसे जरूर परचेज करना। ईबुक का परचेजिंग लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप टीम को मेल कर सकते हो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो चलो फिर से वीडियो पर आते हैं और नेक्स्ट टेक्निक के बारे में जानते हैं। नंबर 4, यूज विजुअलाइजेशन पावर। जब आप मैथ के फॉर्मूले याद करते हो तो वो आपको याद नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो आप उनको बहुत जल्दी भूल जाते हो क्योंकि आपने उनको रटा था। बट अब आपको फॉर्मूलाज रटने नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी विजुअलाइजेशन पावर के थ्रू याद करना है। इसके लिए आपको सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को एक पेपर पर लिख लेना है, और उस पेपर को आपको किसी ऐसी जगह पर चिपकाना है जिस जगह पर आपको वो ज्यादा से ज्यादा दिखता रहे, आपकी नज़र बार बार उस पर पड़ती रहे। जब आपकी नज़र बार बार उस पेपर पर जाएगी तो धीरे धीरे वो सारे फॉर्मूले आपको बिना रटे याद हो जाएंगे, क्योंकि साइंस कहता है कि जिस चीज को हम विजुअल के थ्रू बार बार देखते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है, यानी कि हम उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो इसलिए आज से ही फॉर्मूले रटना बंद करो और अपनी विजुअलाइजेशन पावर का यूज करो, क्योंकि रटते तो बचपन से ही आए हैं लेकिन अब तक भी याद नहीं कर पाए हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस। आपने ये तो सुना ही होगा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम बेटर, यानी कि बार बार प्रैक्टिस करने से ही इंसान बेहतर बनता है। इसलिए अगर आप मैथ्स में कमजोर हो तो घबराने के बजाय प्रैक्टिस पर ध्यान दो। देखो, जितना ज्यादा हम किसी नुकीली चीज को घिसते हैं उसकी धार उतनी ही तेज होती जाती है। ठीक उसी तरह से आप मैथ्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप मैथ में उतने ही ज्यादा तेज बनते जाओगे। और प्रैक्टिस के दौरान आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जैसे ही आप किसी चैप्टर को कम्प्लीट करते हो और उसकी प्रैक्टिस करने बैठते हो, तो शुरू में आपको प्रैक्टिस बिल्कुल आसान एग्जाम्पल्स के साथ करनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस के साथ करनी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आपको ऐसा लगे कि आप धीरे धीरे मैथ में स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, आपकी मैथ्स पर पकड़ बन रही है। और वहीं पर अगर आप जोश में आकर टफ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करोगे और अगर वो आपसे नहीं बन पाए तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाएगा, और फिर आपसे इजी क्वेश्चंस भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप अब भी वहीं पर अटके हुए हो जहां पर आप पहले थे, आपके अंदर मैथ्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। इसलिए मैथ्स की जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो इजी क्वेश्चंस के साथ। मेरा काम था आपको अच्छे से गाइड करना, जो मैंने कर दिया है। अब आपका काम है मैंने जो 5 पॉइंट्स बताए हैं उनको फॉलो करना, उन पर काम करना और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना, जैसे मैंने अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग किया था इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके। और शायद मैं तो आपसे भी ज्यादा डरपोक था मैथ में, लेकिन मेरी मैथ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प की थी कमल सर ने, जो कि राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के पिछूपाड़ा खुर्द में आज भी बच्चों को मैथ्स में टॉपर बना रहे हैं। तो अगर आप में से कोई इस जगह से है तो एक बार इनसे क्लास जरूर लेना। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट की बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेकआउट जरूर करना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो मैथ में कमजोर है, जिसको मैथ से डर लगता है, ताकि वो भी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।